मैं दीपक मिश्रा अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ में अभी आपने RPF की वैकेंसी वगैरह भी देखी होगी, तो ये समान रूप से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। चूंकि रेलवे के एग्जाम में समय कम है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चल रहे हैं, यानी कि हम फॉलो कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड विथ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव्स पे चलेंगे और साथ ही साथ में इनका जो डिटेल होगा वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, ताकि जो इससे और लिंक क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमारे एग्जामिनेशन में पकड़ में आ जाए। तो चलिए आज समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज जिस चैप्टर को हम डिस्कशन करेंगे वो चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि हम देखेंगे आज जीव जगत का वर्गीकरण और इससे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर व्याख्या सहित। तो आज आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न हमारा है, द्वि नामकरण पद्धति का जनक किसे माना जाता है? द्वि नामकरण पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है कार्ल लिनियस। कभी कभी आपको ऑप्शन में कार्ल लिनियस की जगह कैरोलस लिनियस दिखाई देगा, तो ये मोर एंड लेस दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। पुराने जमाने में जीवों के नाम जो होते थे ये सामान्य नाम होते थे जो स्थान के अनुसार परिवर्तित होते रहते थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर शेर को इंडिया में शेर कहा जा रहा है, अमेरिका में इसको टाइगर कहा जा रहा है, इसी तरह से अन्य अन्य देशों में अन्य अन्य नामों से जाना जाता था। तो इस प्रकार क्या होता था कि नामों को लेकर के एक ही जीव के अनेक नाम हो जाते थे, जिससे नामों को लेकर भ्रांति होती थी, लोग सोचते थे कि ये अलग अलग जानवर है। अतः इस समस्या को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक नामकरण की शुरुआत की गई। इसी वैज्ञानिक नामकरण के संदर्भ में जो कार्ल लिनियस थे, इन्होंने द्वि जगत नामकरण का सिद्धांत या द्वि नामकरण पद्धति इन्होंने दी, जिसमें किसी भी जीव के वैज्ञानिक नामों को दो अंशों में या दो पार्ट में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने शेर का ही लिया या टाइगर, तो टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है पैंथेरा टाइग्रिस। तो इसमें पैंथेरा जो हो गया इसका वंश नाम हो गया और टाइग्रिस जो हो गई इसकी जाति हो गई। इससे क्या हुआ कि जो विभिन्न जो पशु होते थे या पौधे होते थे इनके नामों को लेकर जो भ्रांति होती थी ये समस्या सुलझ गई। अभी जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर पौधे और जंतुओं के नामकरण के लिए जिस कोड का यूज किया जाता है इसको ICBN और ICZN के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल फॉर्म है ICBN। ICBN का फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेन कल्चर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेन कल्चर। तो ये जो पौधे होते हैं इनके नामकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है ICZN, तो इसका है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेन कल्चर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेन कल्चर जो होता है ये पौधों के नामकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला मानक, यानी कि जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल वो है। साथ ही साथ कुछ जो चीजें हैं जैसे पादप और जंतु, विशेष करके जो राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित हैं, इससे संबंधित कभी कभी वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, जो कि टेबल में दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। जैसे आम के बारे में मैंने बताया अभी कि मेंजीफेरा इंडिका, पूछ लेता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। इसी तरह से कमल जो कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, पूछता है कि कमल का जैविक नाम क्या है या बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो इसका जैविक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। इसी तरह से बाघ, बाघ का है पैंथरा टाइग्रिस, हमने बात की थी अभी। मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है, मोर का होता है पाओ क्रिटेसस। पाओ क्रिटेसस मोर का वैज्ञानिक नाम या बायोलॉजिकल नेम है। इसी तरह से मानव, तो मानव का आप सभी को पता ही होगा, तो होमो सेपियंस सेपियंस। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, आते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण यानी जीवों के क्लासिफिकेशन के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग किसने किया? जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर है अरस्तु। अरस्तु जो थे इन्होंने ही जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग किया, और इन्होंने पूरे जीव जगत को दो भागों में बांटा था। एक जो था ये था पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वि जगत वर्गीकरण को किसने प्रतिपादित किया? द्वि जगत वर्गीकरण या द्वि जगत वर्गीकी का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर अगेन कैरोलस लिनियस यानी कि कार्ल लिनियस होगा। जब भी द्वि जगत या द्वि नामकरण इस तरह के आते हैं क्वेश्चन, तो सीधा सीधा आप इसका आंसर मारिएगा कैरोलस लिनियस यानी कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने
अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में द्वि जगत वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो कार्ल लिनियस के साथ साथ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक को याद रखेगा, सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी के अनुसार ही मानव का पशु जगत में एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कार्ल लिनियस की पुस्तक को आप याद रखेगा कि सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में पूरा जो जीव जगत है, इस पूरे जीव जगत को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। एक पार्ट बनाया किंगडम एनिमेलिया और दूसरा पार्ट बनाया किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमेलिया से तात्पर्य हो गया पशु जगत और किंगडम प्लांट से तात्पर्य हो गया पादप या पौधों का जगत। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया? पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है R.H. Whittaker। R.H. Whittaker जो थे, इन्होंने द्वि जगत प्रणाली के स्थान में पांच जगत प्रणाली का सिद्धांत प्रस्तुत किया 1969 में। इनके जो पांच जगत वर्गीकरण थे, इन पांच जगत वर्गीकरण में जो थे जीव, ये इस प्रकार है। पहला था मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगाई, चौथा है प्लांट और पांचवा जो है ये है एनिमल। तो ये हो गए इनके पांच जगत वर्गीकरण। थोड़ा सा ओवरव्यू इसके बारे में आपको दे देता हूं ताकि अगर कभी आए तो इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मोनेरा जो है, मोनेरा के अंतर्गत जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, यानी सिंगल सेल वाले एनिमल होते हैं, बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव, उनको रखा जाता है मोनेरा संघ में। दूसरा है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ को रखा जाता है। फंगाई के अंतर्गत जितने भी कवक हैं उनको रखा जाता है, और प्लांट में पौधे और एनिमल में जंतुओं को रखा गया है। तो ये हो गया। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, बैक्टीरिया अपना भोजन संश्लेषित करते हैं ? बैक्टीरिया अपना भोजन संश्लेषित करते हैं ? तो इसका आंसर है कार्बनिक पदार्थों से। बैक्टीरिया जो होते हैं ये परजीवी होते हैं, यानी ये परपोषी होते हैं, परजीवी नहीं परपोषी होते हैं। ये अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, और ये जो है ये कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी सिर्फ हरे पौधे होते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। जो सफेद होगा या अलग कलर के होंगे वो भी स्वपोषी नहीं होंगे, स्वपोषी सिर्फ होते हैं हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल से ही क्या होता है तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है क्लोरोफिल, यानी कि हरित लवक को। तो चलिए आते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, नील हरित शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है? नील हरित शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया, इससे दो तीन क्वेश्चन जो है ये सुपरहिट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए, यानी कि क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, और वो कौन सा टाइप का क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि अगर किसी में क्लोरोफिल है, वो हरे रंग का पादप है, तो वो अपना भोजन खुद बनाएगा। ठीक है, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनमें क्लोरोफिल ए हो रहा है, दैट मीन्स ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करेंगे, यानी कि ये कैसे होंगे, तो ये स्वपोषी जीव होंगे, ये अपना भोजन खुद बनाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, परजीवी होते हैं, परपोषी होते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। एक्सेप्शन कैसे, अपवाद है, याद रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब दो जो है साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल बहुत फेमस है, एक का नाम है नॉस्टॉक और दूसरे का नाम है एनाबिना। ये नॉस्टॉक और एनाबिना जो है, इनको जैव उर्वरक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। सीधा आप समझिए, जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधों को पोषक तत्व चाहिए होता है नाइट्रोजन, लेकिन पौधे सीधे सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको पौधे ग्रहण करेंगे नाइट्रेट के रूप में। अब इस वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करने का काम जो है ये कौन करता है, तो ये करता है साइनोबैक्टीरिया। कौन सा साइनोबैक्टीरिया, तो नॉस्टॉक और एनाबिना, यानी कि ये जो है ये जैव उर्वरक है। आपको अगर पूछे कि जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग होता है, अगर ऑप्शन होता साइनोबैक्टीरिया तो आप साइनोबैक्टीरिया को टिक करें, यदि ऑप्शन नॉस्टॉक और एनाबिना होता है तो आप नॉस्टॉक और एनाबिना को टिक करें। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा है, बासी रोटी में कौन सा कवक पाया जाता है। बासी रोटी में कौन सा कवक यानी कि फंगाई पाया जाता है, तो इसका आंसर है राइजोपस। राइजोपस नाम का जो फंगाई होता है ये बासी रोटी में पाया जाता है। कुछ और फंगाई या कवक है जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं व्याख्या में फटाफट से। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकरी उद्योग में कौन से कवक का प्रयोग होता है। तो बेकरी इंडस्ट्रीज यानी कि पावरोटी जो फैक्ट्रीज होते हैं इसमें कौन से कवक का उपयोग होता है, तो ये होता है यीस्ट का। यीस्ट कवक जो होता है इसका प्रयोग बेकरी उद्योग में होता है, जिससे डबल रोटी फूल करके मोटी हो जाती है, ये आपने सुना भी होगा। एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम। इस पेनिसिलियम कवक का उपयोग किया जाता है पेनिसिलिन नामक दवा बनाने में। तो इसको भी याद रखिएगा कि पेनिसिलिन औषधि जो है ये पेनिसिलिन नाम के कवक से बनाई जाती है, यानी पेनिसिलिन किससे बनती है, कवक से। और उस कवक का क्या नाम है, तो उसका नाम है पेनिसिलियम। और याद रखिएगा ये पहली एंटीबायोटिक औषधि भी है। पेनिसिलिन जो है ये पहली एंटीबायोटिक दवा यानी कि औषधि है। एक प्रश्न और पूछता है कवक से, आपने बरसात में मशरूम तो देखे होंगे जो छत्रक होते हैं, छतरी टाइप के व्हाइट वाले, तो ये जो मशरूम होता है, मशरूम एक कॉमन कवक है यानी एक कॉमन फंगाई है जो हम लोग देखते हैं और बड़े चाव से हम खाते भी हैं। पूछता है कि ये जो कवक मशरूम है इसमें कौन सा पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है, तो इसका आंसर है प्रोटीन। कवक जो होते हैं ये प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जिसको हम बड़े पसंद से खाते भी हैं। तो याद रखिएगा मशरूम मींस प्रोटीन से परिपूर्ण होते हैं। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कीट भक्षी पादप हैं, तो इसका आंसर है ब्लेडर वर्ड, इसको घटपर्णी भी कहा जाता है, तथा वीनस। वीनस और ब्लेडर वर्ड ये जो दो पादप है ये कीड़ों को खाते हैं यानी कीटों को खाते हैं। इनके फूल बड़े आकर्षक होते हैं, जब कीट आकर इन पर बैठते हैं तो ये पंखुड़ियां बंद हो जाती है और कीट जो है ये अंदर में ही रह जाते हैं और ये पौधे उनका भक्षण कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है ब्यूटी इज ऑलवेज डेंजरस, खूबसूरती से आकर्षित होना नहीं चाहिए। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, परजीवी पादप है क्वेश्चन मार्क, तो इसका आंसर है कसकूटा। कसकूटा नाम का जो पादप है ये परजीवी है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि पादप जगत का परजीवी किसे कहा जाता है, तो पादप जगत का परजीवी कहा जाता है कसकूटा को। पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, परंतु कसकूटा जो है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन नहीं बनाता है, इसीलिए इसे परजीवी कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है वायरस को। वायरस जो है इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। आइए देखते हैं, वायरस से और भी बहुत एकदम हॉट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, जो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला कि वायरस यानी विषाणु को खोजा किसने, तो वायरस या विषाणु के जो खोजकर्ता थे इनका नाम था इवान विस्की। ठीक है, विस्की याद रख लीजिए, इवान विस्की याद हो जाएगा। ठीक है, तो वायरस के खोजकर्ता जो थे ये थे इवान विस्की। अब इवान विस्की जिस समय तंबाकू में होने वाले मौजेक रोग का अध्ययन कर रहे थे, तंबाकू की पत्तियों में एक बीमारी हो जाती थी मौजेक, जिससे तंबाकू की पत्तियां नष्ट हो जाती थी, जब इवान विस्की इस पर रिसर्च कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने वायरस की खोज की। यानी पूछता है क्वेश्चन कि वायरस की खोज इवान विस्की ने कब की, तो तंबाकू के मौजेक रोग के अध्ययन के दौरान इवान विस्की के द्वारा किसकी खोज हुई, तो खोज हुई वायरस की। वायरस जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जब ये बाहर होता है खुले वातावरण में होता है तो ये निर्जीव होता है, मुर्दा होता है। जीवित कोशिका में होने वाली कोई भी घटना जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि आदि कुछ भी इसके शरीर में नहीं होती है, बिल्कुल ये मरा हुआ होता है, मुर्दा होता है। लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तुरंत बिल्कुल ये जिंदा हो जाता है, उसी जीवित कोशिका से पोषण प्राप्त करेगा, खुद को जिंदा कर लेगा और अपने डुप्लीकेट्स बहुत तेजी से यह बनाता है, जिसके कारण वो कोशिका संक्रमित हो जाती है और जो वायरस होते हैं इनसे संक्रमण फैलाने वाली बीमारियां होती है। वायरस जो होते हैं, वायरस जब बाहर होता है तो वायरस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके शरीर के चारों तरफ प्रोटीन का बना एक कवर होता है, एक प्रोटीन से बने खोल या कवच के अंदर यह सुरक्षित रहता है, इसको हम कहते हैं कैप्सिड।
कैप्सिड आपको आराम से कैप्सूल याद रखिए। कैप्सूल कैसे होता है, मोटा कवर होता है, अंदर में दवाई होती है तो वायरस अंदर होता है, ऊपर से कवर होता है यानी कि कैप्सूल होता है यानी कि कैप्सिड होता है। यानी वायरस किससे कवर होता है, कैप्सिड से। और ये कैप्सिड किसका बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन का, ये भी कई बार पूछ चुका है। आइए और एक टॉपिक देखते हैं, वायरस बना किसका होता है, तो वायरस बना होता है प्रोटीन प्लस आनुवांशिक पदार्थ का। वायरस जो होता है इसमें प्रोटीन भी होता है और जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक होता है। क्या? डीएनए या आरएनए। डीएनए और आरएनए जैसे मनुष्य में दोनों है, ये दोनों इसमें नहीं होता, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, इस चीज को याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। क्लियर। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, विरोइड के खोजकर्ता कौन थे, विरोइड के खोजकर्ता कौन थे, तो इसका आंसर है विरोइड के खोजकर्ता थे टीओ डाइनर। टीओ डाइनर नाम के वैज्ञानिक ने विरोइड को खोजा था। ये विरोइड होता क्या चीज है, तो विरोइड भी एक संक्रामक कारक है, जिस तरह से हमारा वायरस था उसी तरह से, लेकिन आकार में विरोइड वायरस से भी छोटा संक्रामक कारक है। यानी विरोइड जो है ये वायरस से भी आकार में बहुत ज्यादा छोटा होता है और ये भी संक्रामक कारक है। इससे ज्यादा इसके बारे में डिटेल जाने की जरूरत भी नहीं है और प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रदूषण संकेतक के रूप में किसे जाना जाता है, प्रदूषण संकेतक यानी कि पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर है लाइकेन को। ये जो लाइकेन होते हैं इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर या प्रदूषण संकेतक के रूप में जाना जाता है। अब ये सबसे पहले आप समझ लीजिए, प्रदूषण संकेतक बाद में समझते हैं, पहले ये लाइकेन किसको कहते हैं। दो जीव है, ठीक है, एक है कवक, कवक आप जान रहे हैं, समझ लीजिए मशरूम वही छाता, ठीक है, कवक है, इसका कलर कैसा, व्हाइट कलर का, ठीक है। दूसरे होते हैं सैवाल, सैवाल यानी एल्गी, जो घर की दीवारों पर ग्रीन ग्रीन चिपके हुए होते हैं ये। अब देखिए सैवाल के पास में क्या होता है, सैवाल के पास में क्लोरोफिल है, ये अपना भोजन बना सकता है, ठीक है। कवक के पास में क्या है, कवक के पास में शरीर है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, ये भोजन नहीं बना सकता। अतः कवक क्या करता है, सैवाल को अपने शरीर पर रहने के लिए जगह देता है, ठीक है। तो सैवाल को फायदा हो गया, सैवाल को फायदा ये हो गया कि उसको जगह मिल गया रहने के लिए। अब कवक को भी इससे फायदा हो गया, कवक को क्या फायदा हो गया कि कवक को क्लोरोफिल मिल गया यानी कवक को भोजन मिल गया, यानी कवक को सैवाल से भोजन मिल गया और कवक से सैवाल को रहने की जगह मिल गई, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, दोनों को एक दूसरे से लाभ हो गया। ऐसे संबंध को हम कहते हैं सहजीवी संबंध, ठीक है। तो कवक और सैवाल इन दोनों का सहजीवी संबंध कहलाता है लाइकेन, यानी कि जब कवक के शरीर में सैवाल पूरी तरह से चिपक जाएगा और रहेगा और एक दूसरे को, दोनों को एक दूसरे से लाभ होगा, तो इस तरह के संबंध को हम कहेंगे क्या, तो इस तरह के संबंध को कहेंगे सहजीवी संबंध। एक प्रश्न ये भी बनता है कि लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है, तो लाइकेन जो है ये सैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगाई का सहजीवी संबंध है। अब आते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर वाली बात, तो ये जो संबंध मैंने बताया आपको, ये संबंध वैसे जगहों में पाया जाता है जो पॉल्यूशन फ्री जोन होते हैं, यानी लाइकेन वहीं पर उगते हैं जहां पर प्रदूषण नगण्य होता है, जहां प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है या कम होता है, प्रदूषण वाले इलाकों में ये नहीं उगता है। यानी अगर किसी क्षेत्र में लाइकेन पाया जा रहा है तो उसे देख करके हम ये इंडिकेट कर सकते हैं, ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये पॉल्यूशन फ्री जोन है यानी प्रदूषण रहित शहर है, तो इससे हम पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम सैवाल को लाइकेन को हम पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि लाइकेन जो है ये प्रदूषण मुक्त स्थानों पर उगते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर हम खत्म करते हैं। हाँ, आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं और मैं वीडियो के लास्ट में लगातार उनको डाल भी रहा हूं, आपके कमेंट से हमारा काफी हौसला भी बढ़ रहा है और सब्सक्राइबरों की संख्या जो है आपके प्रयासों से, हमारे प्रयासों से तेजी से इंक्रीज कर रही है। आप और हम दो जुदा जुदा लोग नहीं है, बिल्कुल एक साथ हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप हमारे लिए वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट भेज रहे हैं, इसीलिए हम लोग अलग अलग नहीं है। तो हमारी उपलब्धि हमारी नहीं, आपकी उपलब्धि है, इसलिए आपका जो प्यार मिल रहा है, आपका जो सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें और हम आपके लिए वीडियोस नए नए अपलोड करते रहेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों का सबका रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो। हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है,
कहीं भी आप लोगों का सिलेक्शन अगर हो जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, तो इससे हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी और हमारा हौसला भी बढ़ेगा। हमारे कोचिंग सेंटर से अभी 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अदर एग्जामिनेशंस में उनके फोटो वगैरह भी हम डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी जब ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा तो एक साथ में हम लोग ज्यादा फोटोज एक साथ में डालेंगे, तो उसमें आप लोगों का भी चेहरा शामिल होना चाहिए, ये उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज के वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बायरो की कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।